हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इन आवर लास्ट क्लास वी फिनिश्ड आवर बायोसाइंटिज्म, द थ्योरी बायोसाइंटिज्म अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. इन आवर टुडेज क्लास आई एम स्टार्टिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड विच वॉज बिग बैंग थ्योरी. इट इज बिग बैंग थ्योरी. इस थ्योरी की अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो इसका जो जैसे अपन जनरली यूज करते हैं कि ये थ्योरी इसने दी थी या ये थ्योरी इसने दी थी, इसके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं किया जाता. बहुत सारे फिजिस्ट हैं, दैट मीन्स जो पर्टिकुलरली फिजिक्स को डील करते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमिस्ट जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है. लेकिन एक पर्टिकुलर नेम की अगर अपन बात करें तो स्टीफन हॉकिंस जो है उनका सबसे ज्यादा रोल इसके डेवलपमेंट में माना जाता है. इस थ्योरी की अगर अपन पर्टिकुलरली बोले तो इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी. यूनिवर्स के ओरिजिनेशन की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी यही है. व्हाट इट पर्टिकुलरली अपन बोले तो इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. इट्स मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन आते रहे हैं, तो इट्स मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट इज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स. तो इट इज, अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो ये ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स के साथ ये डील करती है. बट इट सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी होने का ये रीजन जो है इसका वो है, इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स. जो फिजिक्स के जो लॉज हैं उन लॉज के ऊपर ये बेस्ड है. किसके ऊपर बेस्ड है? ये फिजिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है. तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं दिस थ्योरी हैव डू नॉट ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स. लॉ ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसके कोई ऑब्जेक्शन यहां पर नहीं है. अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें ये थ्योरी के पॉइंट्स के ऊपर कि यूनिवर्स जो है उसका ओरिजिनेशन वगैरह कैसे होता है, क्या हुआ था, तो इसमें पर्टिकुलरली बात आती है एज पर दिस थ्योरी द यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. मतलब यहां पर अपन बोल सकते हैं जो यूनिवर्स की जो एज है वो कितनी मान सकते हैं अपन, 13.8 बिलियन ईयर्स. हालांकि कुछ बुक्स के अंदर इसको 13.7 बोला जाता है, तो वो इतना कोई कंसिडरेबल नहीं है. अगर अपन गवर्नमेंट बुक्स के अकॉर्डिंग बात करें अपनी वाली, तो उसके अकॉर्डिंग दैट इज 13.8 ईयर्स. ओके, तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस टाइम पर यूनिवर्स का ओरिजिनेशन हुआ था. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उस टाइम पर यूनाइटेड था, मतलब आज जो अपन अलग अलग गैलेक्सीज हैं, अलग अलग स्टार्स देखते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. 13.8 बिलियन ईयर्स अगो इस टाइम पर एक कंडेंस या डेंस्ड मटेरियल था जो आज अपन पूरा का पूरा यूनिवर्स देखते हैं. दैट इज ए सिंगल यूनिट. क्या बोल सकते हैं अपन, ये एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में ये था. इस सिंगल यूनिट के अंदर एक्सप्लोजन हुआ. अगर अपन पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा, दैट मीन्स एक्सट्रीमली हॉट गैसियस स्फीयर. बहुत ज्यादा हॉट गैसियस स्फीयर के फॉर्म के अंदर ये मौजूद था. इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ. According to this theory, there was a explosion. इसके अंदर explosion होता है और explosion के कारण से इसके different parts, it divided into
डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गए। ये डिफरेंट पार्ट्स जो है टाइम पासिंग के बाद, आफ्टर द एक्सप्लोजन, टाइम पासिंग के बाद दे कूल डाउन। ये सब कैसे हो गए, बोलते गए कूल डाउन। और कूल डाउन होने से, इन सभी पार्ट्स के अंदर कूल डाउन होने से गैसियस स्फीयर, इनकी गैसियस स्फीयर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या बने थे इन सबके गैसियस स्फीयर्स, यहां पर बने थे, गॉट इट। और इन्हीं गैसियस स्फीयर्स के अंदर जो अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, वो ऑरिजिनेट हुए। जो सिंगल डेंस मटेरियल था उसमें एक्सप्लोजन से उसके पार्ट्स बने, पार्ट्स के कूल डाउन होने से, कूल डाउन होने से क्या हुए, इनके अलग अलग जो गैसेस स्फीयर्स बनी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो अपन बोल सकते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। इन फ्यूचर आगे चलकर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जुड़े और उनके जुड़ने से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, कौन लाइटर एलिमेंट्स, जैसे कि अपन बोले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सबसे ज्यादा लाइटर ये होता है, हाइड्रोजन सबसे पहला आता है एटॉमिक नंबर, सेकंड आता है हीलियम, थर्ड आता है लिथियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जैसे जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, इन लाइटर एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो यहां पर सिंपल एलिमेंट्स या जो सिंपल जो एलिमेंट्स है वो यहां पर जनरेट हुए, ओके। अच्छा, ये जो लाइटर एलिमेंट्स थे, पर्टिकुलरली बोले तो हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली बात आएगी तो किसकी आएगी, दैट इज हाइड्रोजन। ये जो लाइटर एलिमेंट्स थे, इनके जो जायंट क्लाउड्स जो बनी हुई थी, क्योंकि यहां पर अभी भी गैसेस फॉर्म, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म रहती है, तो यहां पर ये जो जायंट क्लाउड्स थे, ड्यू टू ग्रेविटी दे गेट कंडेंस्ड। ये लाइटर क्लाउड जो क्लाउड्स जो थे दे कंडेंस हुए, और कंडेंस होने से इन्होंने बनाए थे स्टार्स। क्या बनाए इन्होंने, स्टार्स। और स्टार्स से आप जानते हैं क्या बनते हैं, दैट आर गैलेक्सीज। तो यहां पर स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, गॉट इट। तो अपन बोल सकते हैं यूनाइटेड यूनिवर्स जो था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, जो कि हाईली एनर्जाइड, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस स्फीयर जो था, उसमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन होने से उसके जो डिफरेंट पार्ट्स जो सेपरेट आउट हुए, वो डिफरेंट पार्ट्स सेपरेट आउट, डिफरेंट पार्ट्स कूल डाउन होने पर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस स्फीयर्स बने, जिनके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनका फॉर्मेशन होता है। और फिर बाद में इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जुड़ने से जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम्स, वो बने। और उन एलिमेंट्स के कंडेंस होने से स्टार्स, और स्टार्स के फॉर्मेशन से क्या बनती है, यहां पर गैलेक्सीज यहां पर बनती है, गॉट इट, अंडरस्टैंड। स्टार्स के अंदर, या स्टार्स के लिए एक और वर्ड यहां पर काम में लिया जाता है, जो स्टार्स की जो एक स्टेज होती है जिसे अपन बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है वो स्टार्स की एक स्टेज को कंसिडर किया जाता है। तो स्टार्स या जो गैलेक्सीज जो थी, या जो सुपरनोवा जो स्टेज है, इस सुपरनोवा स्टेज के अंदर लाइटर एलिमेंट्स के फ्यूज होने से, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, इन लाइटर एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ फ्यूज होने से जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, जो हैवी एलिमेंट्स जो हैं, इन हैवी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, गॉट इट। स्टार्स या सुपरनोवा के अंदर जो लाइटर एलिमेंट्स थे वो कंबाइन, वो आपस में कंडेंस हुए या और आपस में जुड़े, और जुड़कर उन्होंने क्या बना दिए, हैवी एलिमेंट्स यहां पर बना दिए, गॉट इट, अंडरस्टैंड। अब इस थ्योरी के सपोर्ट की अपन बात करें तो कुछ साइंस के कुछ बहुत सारे जो रिजल्ट्स जो हैं, जो आज अपन ऑब्जर्वेशंस करते हैं, वो इस बिग बैंग थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है स्प्रेडिंग ऑफ यूनिवर्स।
यूनिवर्स जो है वो लगातार फैलता जा रहा है, स्प्रेडिंग हो रही है उसमें। तो किसी भी मटेरियल्स में स्प्रेडिंग तभी पॉसिबल है जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ हो। भाई एक सिंपल सी बात करें, अपन दिवाली वाले टाइम पर जो अपन क्रैकर्स चलाते हैं, जैसे ये ब्रस्ट होता है, फटता है, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारे यूनिवर्स में भी चल रहा है कि जो स्टार्स जो हैं, गैलेक्सीज जो हैं, वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही। तो ये जो उनका फैलना है, ये इस चीज को सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स जो है वो किससे बना है, दैट इज एक्सप्लोजन। किससे बना हुआ है? एक्सप्लोजन से बना है। तो अगर अपन इसके सपोर्ट की बात करें, इस बिग बैंग थ्योरी के सपोर्ट में अपन बात करें, तो सबसे पहला जो सपोर्ट आता है, दैट इज स्प्रेडिंग यूनिवर्स, लगातार यूनिवर्स का फैलना, स्प्रेडिंग। सेकंड जो आता है वो है प्रेजेंस ऑफ, द प्रेजेंस ऑफ जो लाइटर लाइट वेट पार्टिकल्स हैं, लाइट वेट पार्टिकल्स की प्रेजेंस। यूनिवर्स में बहुत से लाइट वेट पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ी चीज के अंदर एक्सप्लोजन होता है तो कई बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्रिएट होते हैं। तो यहां पर इनका प्रेजेंस होना भी इस थ्योरी का सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्पेस के अंदर पाए जाने वाली माइक्रो रेडिएशंस, यूनिवर्स में जो माइक्रो रेडिएशंस हैं, दैट इज आल्सो सपोर्टिंग द बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा एक पढ़ते हैं अपन हबल्स लॉ। हबल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गैलेक्सीज के लिए एक लॉ दिया था जिसे बोला जाता है, गैलेक्सी जो स्टार सभी के लिए आता है, वो हबल्स लॉ। इस हबल्स लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू दिया जा सकता है? बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। तो ये यहां पर कुछ एविडेंसेस हैं जो इस बिग बैंग थ्योरी का सपोर्ट करते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये थी अपन, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी या जो अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है उन सभी के मिक्स्ड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपन को यहाँ पर कंसिडर करना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में उसके बारे में पूछा जाता है। बट इट, एक माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा, यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। अब बिग बैंग थ्योरी से थोड़ा सा लिंक भी है, बाकी ये पूरे अलग टॉपिक्स है। रेड शिफ्टिंग ऑफ सुपरनोवा, जो सुपरनोवा यानी कि जो गैलेक्सी स्टार्स जो हैं, उनकी रेड शिफ्टिंग, ये चीज प्रूव करती है कि यूनिवर्स जो है दैट इज स्प्रेडिंग कंटिन्यूसली, वो स्प्रेड हो रहा है, लगातार वो फैलता जा रहा है। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू दैट, या बिग बैंग थ्योरी या अपन सुपरनोवा रेड शिफ्टिंग की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स लगातार फैलता जाएगा, स्प्रेड होता जा रहा है, और फाइनली जैसे जैसे दूर होता जा रहा है वैसे वैसे ये कूल डाउन भी हो रहा है। जो गैलेक्सीज या जो स्टार्स हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर जाते जाते क्या होते जा रहे हैं, कूल डाउन भी हो रहे हैं। इसको एक सिंपल लाइफ के एक इवेंट से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अपन घर के अंदर जो अपने विंटर सीजन है उसके अंदर अपन विंटर कोल्ड से बचने के लिए अपन अंगीठी या फायरवर्क्स अपन जो लकड़ी वगैरह अपन जलाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सपोज ये जो अपनी अंगीठी है इसके अंदर जो कोल पार्टिकल्स हैं वो जब पास पास होते हैं तो वो काफी अच्छी तरह से हीट अप करते रहते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। लेकिन इसी को अगर अपन फैला दें, इन्हीं को अगर अपन एक दूसरे से स्प्रेड आउट करते हैं, तो ये जो कोल पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम हीट क्रिएट करते हैं और बहुत फास्ट स्पीड के साथ दे बिकम्स कूल डाउन।
तो वैसा ही यहां पर भी है कि जो यूनाइटेड यूनिवर्स था तब तो एनर्जी जो थी वो सारी की सारी जो अपने को विजिबल फॉर्म्स है जिसको अपन नॉर्मली अपन जो मेजरेबल जो यूनिट बोलते हैं उस फॉर्म में था, लेकिन जैसे जैसे फैलता जा रहा है वैसे वैसे जो एक अपन ने स्टार्ट में बात की थी डार्क एनर्जी डार्क मैटर उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है, इसलिए यूनिवर्स जो है उसका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है और फाइनली कूल डाउन होता जा रहा है और फाइनली इट बिकम्स फ्रोजन। ये क्या हो जाएगा? फ्रोजन। और जैसे ये फ्रोजन होगा यूनिवर्स जो अपन बोलते हैं यूनिवर्स का एंड होगा, लेकिन ये बहुत आगे की बात। बट इट एक छोटा सा पॉइंट आता है, व्हाट इज डार्क एनर्जी और ग्रे एनर्जी, डार्क एनर्जी डार्क मैटर, या जिसके लिए ग्रे वर्ड भी काम में लिया जाता है, डार्क या ग्रे एनर्जी एंड मैटर, इनको भी नेचर में फाइंड आउट किया गया है, यूनिवर्स में इनको भी फाइंड आउट किया गया है, यूनिवर्स में इनको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन इनका यूनिवर्स के अंदर जो रोल है इट इज, जो ग्रे मैटर का रोल जो है ये अभी अननोन है, इसके बारे में हमने इतना भी उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। बट इट अंडरस्टैंड। अब थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट्स आते हैं, उनकी थोड़ा सा अपन बात करते हैं। कुछ फिजिस्ट जो हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग्स, वो कॉन्सियसनेस को कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं करते, डू नॉट एक्सेप्ट कॉन्सियसनेस। ये अपन पर्टिकुलरली अपन बात करें तो जो कॉन्सियसनेस जो है इसके मैटर में साइंस फिजिस्ट जो है वो दो ग्रुपों में डिवाइडेड है, एक तो जैसे स्टीफन हॉकिंग्स, स्टीफन हॉकिंग्स जैसे जो लोग हैं वो कॉन्सियसनेस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, वो कॉन्सियसनेस को कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो कुछ भी है या जो भी ओरिजिनेट होगा उसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स से ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स से ही उसका बताया जा सकता है। लेकिन कुछ अदर्स जो ग्रुप है अदर साइंटिस्ट्स, वो कॉन्सियसनेस को बिलीव करते हैं, कॉन्सियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके अंदर उनका बिलीव है कि यूनिवर्स के जो इवेंट्स जो हैं, यूनिवर्स का क्रिएशन, यूनिवर्स का डेवलपमेंट, यूनिवर्स का में किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है उसको कॉन्सियसनेस के कंसिडर करते हुए ही एक्सप्लेन अपन कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कॉन्सियसनेस वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। बट इट तो ये यहां पर एक पॉइंट यहां पर आते हैं। बट इट इसके अंदर पर्टिकुलरली जैसे इंडियन साइंटिस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल है। अब इस कॉन्सियसनेस को अटेंड करें या नहीं करें इसको कंसिडर करते हुए, और एक यूनिवर्स के जो इनिशियल मटेरियल्स जो हैं जिनसे और यूनिवर्स स्टार्टिंग में बना था, तो उसके लिए एक लैब है ECNR, यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, यहां पर इन इसकी जो जिनेवा के अंदर जो लैब है, जिनेवा के अंदर इसकी जो लैब जो सिचुएटेड है उसके ऊपर जो स्टार्टिंग जो मटेरियल है यूनिवर्स का जो वेटलेस माना जाता है, वेटलेस एनर्जाइड जो एनर्जाइड पार्टिकल्स है, वेटलेस एनर्जाइड पार्टिकल्स, उन वेटलेस पार्टिकल्स की फाइंड आउट किया जा रहा है या उनकी डिस्कवरी यहां पर की जा रही है। बट इट इन वेटलेस पार्टिकल्स को नाम दिया गया है हिग बोसोन। क्या नाम दिया गया है? दीज आर कॉल्ड हिग बोसोन पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? हिग बोसोन पार्टिकल्स। और इन्हें
यूनिवर्स का इनिशियल मटेरियल माना गया है. दीज आर इनिशियल मटेरियल ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो अपन ने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी बिग बैंग कॉन्सेप्ट के अंदर, कि जो यूनाइटेड यूनिवर्स था उसमें ये माना जाता है कि वो सब किसके बना हुआ था उस टाइम पर, हिग बोसोन पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो अपन सब एटॉमिक पार्टिकल्स मानते हैं उनसे भी प्रिमिटिव स्टेज है. तो इस हिग बोसोन पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया जा रहा है कहां पर, ECNR लैब जिनेवा के अंदर, यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च की जो जिनेवा के अंदर जो लैब है वहां पर इसे फाइंड आउट किया जा रहा है. एक्चुअल में अभी बात करें तो इसको फाइंड आउट कर भी लिया गया है, काफी ज्यादा एडवांस स्टेज पे आ गए हैं. इस पार्टिकल की डिस्कवरी हमारे जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉन्सियसनेस, उस कॉन्सियसनेस को एक्सेप्टेंस देता है, क्योंकि कॉन्सियसनेस वेटलेस होती है. तो यहां पर ये जो वेटलेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं उसके बारे में जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने ये कहा था कि साइंस जो है फाइनली जब यूनिवर्स के डेवलपमेंट या किसी भी पार्टिकल के इनिशियल स्टेजेस की तरफ चलेगी तो वो ये साइंस जो है वो मूव टुवर्ड द एक्सेप्टिंग, साइंस इज मूविंग टुवर्ड द एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ वेटलेस कॉन्सियसनेस. उन्होंने कहा था कि साइंस जो है वो धीरे धीरे वेटलेस जो कॉन्सियसनेस जो है उसकी तरफ मूव कर रही है. और वेटलेस कॉन्सियसनेस का मतलब अपन क्या मान सकते हैं, दैट आर हिग बोसोन पार्टिकल्स. बट इट अब यहीं पर छोटी सी दो थ्योरीज आती हैं, एक तो आता है जेनिज्म और एक आता है अपने परंतु जेनिज्म की बात कर लेते हैं अपन. जेनिज्म जो कि पूरा का पूरा नेचुरल लॉज के ऊपर बेस्ड है, तो जो नेचुरलिस्ट जो हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है. तो नेचुरलिस्ट थ्योरीज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स आर आल्सो एक्सेप्टेड या आल्सो डेवलप्ड इन इंडिया, जिसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, जैनिज्म. अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म या जैन फिलोसफी द कंपाउंड्स हैव ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल एग्जिस्ट इन नेचर. इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड्स हैं वो नेचर में, जो कंपाउंड्स हैं वो नेचर में पहले से ही मौजूद थे, या अपन बोल सकते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर, पहले भी थे आज भी है और फ्यूचर में भी रहेंगी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स हमेशा नेचर बने रहते हैं, और ये कंपाउंड जो है कंट्रोल्ड बाय द लॉज ऑफ नेचर. इनका बनना इनका एग्जिस्टेंस इनका वर्किंग वो सब के सब लॉज ऑफ नेचर, जो नेचर की जो लॉज है, इसकी नेचर की जो लॉज है उनके थ्रू इसे कंट्रोल किया जाता है. ओके और नेचर के जो लॉज हैं या जो ये फॉर्मेशन वगैरह जो हैं, ये इनकी ऑन एनर्जी, कंपाउंड्स के अंदर जो खुद की एनर्जी है उस खुद की एनर्जी से ये सारे वर्क परफॉर्म होते हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड. अब यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आता है, उसको अपन फिनिश करते हैं फटाफट. दैट इज एक्वाटिक मॉडल, That is एक्वाटिक मॉडल. एक्वाटिक मॉडल जो है ये एक्वाटिक मॉडल पॉल स्टीनहार्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था अबाउट द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स. किसके बारे में, यूनिवर्स के ऑरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल यहां पर दिया गया. इस मॉडल के अकॉर्डिंग, अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उसको समझना, टू थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स आज का जो यूनिवर्स है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि टू
थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स जो है ये फोर्थ डायमेंशन के अंदर एक दूसरे के साथ मिक्स हुए या कंबाइन हुए, और जिसका रिजल्ट आज का जो करंट फाइव डायमेंशनल यूनिवर्स जो है वो बना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल यूनिवर्स कंबाइन हुए इन द फोर्थ डायमेंशन, और आज के टाइम का जो फाइव डायमेंशनल यूनिवर्स है उसका ओरिजिनेशन यहां पर होता है। बट इट दिस थ्योरी एक्वाटिक मॉडल जो दिया गया है इट ऑल्सो एक्सेप्ट द स्प्रेडिंग ऑफ यूनिवर्स। ये थ्योरी भी यूनिवर्स के स्प्रेडिंग को एक्सेप्ट करती है लाइक रबर मेमोरी या रबर शीट। इस थ्योरी में भी स्प्रेडिंग की बात है और बिग बैंग थ्योरी में भी स्प्रेडिंग की बात है, बट द डिफरेंस इज अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स एक सेंट्रल पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रहा है, बट हियर अकॉर्डिंग टू द एक्वाटिक मॉडल देयर इज नो सेंटर ऑफ स्प्रेडिंग। यूनिवर्स का कोई भी स्प्रेडिंग सेंटर नहीं है, देयर इज नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्प्रेडिंग और वी कैन से दैट इंक्रीजिंग डिस्टेंस। ओके, सो दीज वर द मॉडल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आई थिंक होप यू लाइक इट। थैंक यू।